इज देवेन गुप्ता। आज मैं जो मुद्दा लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ फंड रेजिंग। हर स्टार्टअप चाहता है कि मेरी फंड रेजिंग हो, लेकिन फंड रेजिंग का मतलब ये नहीं कि किसी भी इन्वेस्टर के डोर को नॉक करूं और बोलूं सर मुझे पैसे दे दो। फंड रेजिंग इज ऑल अबाउट कि आप अपनी बैलेंस शीट्स को कैसे मेंटेन करते हो, आप किस स्ट्रक्चर के रूप में जाते हो इन्वेस्टर के पास और आपका विजन क्या है। तो मैं पहले एक बेसिक इशू हैंडल कर लेता हूँ। स्टार्टअप्स में प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में कोई फंड रेजिंग नहीं हो सकती। फंड रेजिंग अगर होगी तो उसके लिए आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप फंड रेजिंग के लिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें दो फाउंडर्स होंगे या दो डायरेक्टर्स होंगे। अगर एक डायरेक्टर तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम दो डायरेक्टर से कंपनी बनती है। तो आप कोई भी दो को फाउंडर या एक फाउंडर बनके साथ में कोई भी एसोसिएट को आप अपना डायरेक्टर बना लीजिए जो आपकी कंपनी के की डिसीजन लेगा। दैट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप फंड रेजिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपका जो ट्रांजैक्शंस जितने भी आप कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आप अपनी कंपनी के थ्रू ही करें। ये ना हो कि वो ट्रांजैक्शन आप पर्सनल बैंक अकाउंट से कर रहे हैं। अगर आपको पर्सनल बैंक अकाउंट से करना है तो आप अपनी कंपनी से, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से कंपनी को पैसे दीजिए और वहां से उस खर्चे को कीजिए। क्यों? ताकि जितने भी एविडेंसेस हो ये प्रूव हो कि ये खर्चे आपकी कंपनी से रिलेटेड हो। कल ऐसा ना हो कि फाउंडर बोल रहे हैं कि मैंने पर्सनल गाड़ी खरीदी या मैंने पर्सनल लैपटॉप खरीदा और ये कंपनी के लिए था, मैंने कंपनी पे डाल दिया। इस तरह के ट्रांजैक्शंस को आप प्लीज अवॉइड कीजिए। फोर्थ, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शंस करने जा रहे हैं आप कोशिश कीजिए आप एसेट लाइट मॉडल पे जाएं रादर देन एसेट हैवी मॉडल पे। से एग्जांपल, अगर आप ब्लू स्मार्ट जैसी कार कंपनी खोलना चाह रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप घड़ियां खरीदने बैठ जाएं। इन्वेस्टर का कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता कि उसको वो पैसा एक एसेट पे लगाना है, उसको पैसा वर्किंग कैपिटल पे लगाना है, टेक्नोलॉजी पे लगाना है, ताकि वो बिजनेस स्केल हो सके। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप फंड रेजिंग करने जा रहे हैं आपको एक अपनी प्रोजेक्शंस बनानी पड़ेगी अगले तीन साल की, कि आपके अगले तीन साल में क्या रेवेन्यू होगा, क्या कॉस्ट होगा और ये जो आप फंड रेज करेंगे इसको आप कहाँ यूटिलाइज करेंगे। आप जब भी इन्वेस्टर के आगे बैठे आप बताइए कि आप ये पैसा सर टेक्नोलॉजी पे कहाँ लगाएंगे, ये कितना पैसा आप एम्प्लॉइज पे लगाएंगे और कितना पैसा आप टेक के एम्प्लॉइज को सैलरी पे करने में लगाएंगे और कितना पैसा रेस्ट ऑफ द कॉस्ट पे लगेगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर को बोलेंगे सर मैं इससे शॉप खरीदूंगा या मैं इससे उठा के सिक्योरिटी डिपॉजिट दूंगा, इन्वेस्टर आपकी पिच डेक को उसी वक्त डिक्लाइन मान देगा, क्योंकि वो समझना चाहता है कि यार मेरे पैसे को आप स्केल करके लाऊं। जैसे अगर आप कोई एआई बिजनेस में आ रहे हो तो आप अच्छा सा प्लेटफॉर्म बनाइए टेक्नोलॉजी का। अगर आप कोई ट्रेडिंग मॉडल में आ रहे हो तो आप कोई टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म बनाकर ट्रेडिंग को करके दिखाइए। तो देन इन्वेस्टर इज मोर कन्विंसिंग ऑन द बिजनेस साइड विद यू एंड इज हैप्पी टू पुट द इन्वेस्टमेंट इन योर कंपनी। अब नेक्स्ट मुद्दा आता है कि जब इन्वेस्टर पैसे लगाने आ गया, से एग्जांपल, तो इन्वेस्टर को कोलैटरल्स क्या क्या चाहिए। इन्वेस्टर को बेसिक कोलैटरल चाहिए कि आप एक इन्वेस्टर के साथ शेयर होल्डर एग्रीमेंट साइन कर लीजिए और इन्वेस्टर के साथ एक टर्म शीट साइन कर लीजिए। टर्म शीट्स में इन्वेस्टर्स की कुछ कंडीशंस होती हैं कि आप पैसे को कैसे यूज करेंगे, आप कंपनी में कोई डिसीजंस कैसे लेंगे, उसके ऊपर हम डिटेल वीडियो आगे बनाएंगे। एंड सेकंड थिंग, इन्वेस्टर आपसे शेयर होल्डर एग्रीमेंट में सारी बातें लिख लेगा जो वो आपसे अग्री करेगा कि आप उसको रिटर्न कितना देंगे, कब एग्जिट देंगे, कैसे वो उस कंपनी से ओवरऑल नेट प्रॉफिट निकाल के निकलेगा। इसके बाद जब ये सारे टर्म्स आप अग्री कर देते हैं, इन्वेस्टर आपको एक अमाउंट देता है। एग्जाम्पल के तौर पर इस वीडियो के लिए मैंने 1 करोड़ रुपए दे दिया, तो इन्वेस्टर आपको 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में डाल देगा। प्लीज ध्यान रखना, जब भी आप पैसे 1 करोड़ उठा रहे हो आप एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करना बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। जब 1 करोड़ आपके बैंक में आएंगे आप उसकी अगले दिन खर्चा बिल्कुल मत कीजिएगा। अब आप उसको ऐसे इन्वेस्ट कीजिएगा, ऐसे यूज कीजिएगा कि ये आप पैसे आपके पिताजी ने दिए हैं। ये ना हो कि इन्वेस्टर का पैसा आया तो मैं इसको बर्न करने लग जाऊं, उसको वेस्ट करने लग जाऊं, नहीं, बिकॉज इन्वेस्टर इज नाउअडेज वेरी कॉशियस। अब हर महीने ये आपका कर्तव्य है या आपकी ड्यूटी है कि आपको उसको हर महीने एक MIS भेजना है कि सर इस महीने मेरा ये रेवेन्यू था, मेरा ये खर्चा था, ये मेरी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है या मेरा ये लॉस मेकिंग आ रहा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फाउंडर आपकी है कि आप उसको ये इन्फॉर्मेशन अगले महीने की 5 या 7 तारीख तक दे दीजिए ताकि उसको पता लगे कि इस बिजनेस में टू डूज में हो क्या रहा है। कोशिश कीजिए अपने इन्वेस्टर के साथ आप हर महीने या हर क्वार्टरली एक मीटिंग कीजिए जिसमें आप अपना फ्यूचर बिजनेस प्लान भी उसके साथ डिस्कस कीजिए। एक चीज याद रखना, डिसीजंस आप ही को लेने, आपके इन्वेस्टर्स को नहीं लेने। इन्वेस्टर कैन ओनली गाइड यू कि अगर आप ये डिसीजन लेना चाह रहे हो तो ही माइट गेट यू कनेक्टेड विद अदर गुड पीपल टू हुम ही इज कनेक्टेड। वो कभी भी आपके बिहाफ पे डिसीजन नहीं लेगा क्योंकि ये आपका बिजनेस है, ये आप ही को संभालना है। जब आप महीने की MIS प्रेजेंट करते हैं अपने इन्वेस्टर को, ऐसे ही आप क्वार्टरली MIS भी सबमिट करते हैं, ऐसे आप एनुअल रिपोर्ट्स भी डिस्कस करते हैं और एनुअली आप एक पूरा प्रोजेक्शंस या एनुअली का पूरा एक्चुअल रिजल्ट्स इन्वेस्टर्स को दिखाते हैं कि सर देखिए पूरे साल में मैंने 10 करोड़ का बिजनेस किया, 5 करोड़ का मैंने खर्चा किया, 4 करोड़ का पे आउट दिया, कंपनी ने 1 करोड़ बनाया। यहां से इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होता है।
फिर हम नेक्स्ट राउंड पे इन्वेस्टर के साथ मीटिंग करते हैं कि सर मैंने तो नेक्स्ट राउंड रेज कर लिया, मैंने टेक्नोलॉजी भी बना ली, अब मुझे इस मॉडल को स्केल अप करना है। आज मैं सिटी ए में कर रहा हूँ, मुझे पैन इंडिया में करना है। अगर मैं पैन इंडिया कर रहा हूँ, मुझे इंटरनेशनल करना है, मुझे और फंड्स की रिक्वायरमेंट है। देन अगेन द सेम थ्योरी स्टोरी विल रिपीट अगेन एंड अगेन, एंड इन्वेस्टर पुट्स द मनी इन योर बैंक अकाउंट एंड ही विल कीप इन्वेस्टिंग इन द कंपनी। एक चीज ध्यान रखिए, जब भी इन्वेस्टर पैसा लगाएगा आपकी कंपनी में, धीरे धीरे जो आपका परसेंटेज 90 था 100 था, वो गिर गिर के कभी 90 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा। ऐसे आपका डाइल्यूजन होता रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, अब ये कंपनी भी बहुत बढ़िया चलने लग गई, इन्वेस्टर को 3 साल भी हो गए, 4 साल भी हो गए, 5 साल भी हो गए आपके साथ जुड़े हुए, और कंपनी डे बाय डे अपना ग्रोथ ले रही है। अब यहां से इन्वेस्टर के पास प्रेशर आना आपके पास शुरू हो जाएगा कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये कंपनी को आप आईपीओ में ले आइए, या ये कंपनी को उठा के आप किसी को बेच दीजिए। ध्यान रखना, एक कोई भी कंपनी जब बनती है या इन्वेस्टर जब भी कंपनी में आता है, वो एक एग्जिट लेकर आता है। आप स्टॉक मार्केट में भी जब पैसा लगाते हैं किसी भी स्टॉक के ऊपर, तो आप सोचते हो कि यार मैंने पैसा आज लगाया तो 3 साल बाद मुझे 40% 50% का रिटर्न मिल जाए। सिमिलरली जब इन्वेस्टर आपके धंधे में पैसा लगाता है, वो भी 3-4 साल बाद एक्सपेक्ट करता है या तो इसको बेचो और मेरा स्टेक भी आप बिकवा दो, अकॉर्डिंगली मुझे भी कुछ पैसा मिल जाएगा, आपको भी कुछ पैसा मिल जाएगा, और अल्टरनेटिवली आप उसको आईपीओ में ले जाइए। हम 2-3 बड़े बड़े एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रैटेजिक के और आईपीओ पे। आईपीओ के मैं 2-3 बड़े बड़े एग्जाम्पल दे देता हूँ, जोमैटो, AWS, ऑफिस, पॉलिसी बाजार, पेटीएम, ये सब लिस्ट हो गए आज की डेट में, इन्होंने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दे दिया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं स्ट्रैटेजिक के, जैसे व्हाइट हैट जूनियर, आकाश इंस्टीट्यूट, दे ऑल गॉट एक्वायर्ड बाय बायजूस। हाँ, यहाँ पे आकाश इंस्टीट्यूट का कुछ फायदा हो गया, व्हाइट हैट जूनियर का फायदा हो गया, आज बायजूस इज इन अ वेरी बैड शेप बिकॉज नॉट ऑफ द बिजनेस, बिकॉज ऑफ द अदर ऑपरेशन चैलेंजेस, दैट माइट बी अदर रीजन। सेकंड यू कैन सी Uber Eats अपने धंधे को आज की डेट में Zomato को बेच के निकल गया। तो जब भी आप इस मॉडल में बिजनेस कर रहे होते हो, आपको कहीं ना कहीं सोचना है कि फ्यूचर में मुझे इस बिजनेस का करना क्या है, या तो मैं आईपीओ ले आऊं या मैं किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को इसको बेच लूं ताकि वो इस बिजनेस को और डबल कर सके, बिकॉज दे हैव अ कस्टमर डेटाबेस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट वी कैन ब्रिंग दोज मोर वीडियोज फॉर यू गाइज, एंड दिस विल मोटिवेट अस एंड आर टीम। थैंक यू सो मच।